हमारे की चुनाव में जो भी पार्टी 270 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लेती है वो जीत जाती है, लेकिन अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो क्या? ये बड़ा सवाल है। बहरहाल इस समय जो टक्कर है वो कांटे की बताए चल रहा है, इसीलिए सवाल भी उठ रहा है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट अमेरिका के चुनाव को देख रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि इतनी आसान राह न कमला हैरिस की होने वाली और न ही डोनाल्ड ट्रंप की। कुछ रुझान भी सामने आने लगे हैं, क्या नॉर्थ कैरोलिना में शुरुआती रुझान में बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त तो कमला हैरिस को भी कुछ हिस्सों में बढ़त मिल रही है, तो अमेरिकी चुनावों में ये रुझान भी आने लगे हैं। केंटकी और इंडियाना में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त और यहां पर चुनाव संपन्न भी बताया जा रहा है कि हो गए थे, वहां पर वोटिंग खत्म हो गई, तो यहां पर जो रुझान है वो आ रहे हैं और इन रुझानों में वहां डोनाल्ड ट्रंप आगे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कमला हैरिस, नॉर्थ कैरोलिना में कमला हैरिस ने शुरुआती बढ़त बताया जा रहा है कि बनाई है। कमला हैरिस वर्जीनिया में भी और वर्मोंट में भी बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग होगा अमेरिका के चुनाव में जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो पर्पल स्टेट्स कहे जाते हैं, वहां पर, क्योंकि वो निर्धारित करेंगे, वो तय करेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर बैठेगा कौन, क्योंकि जो रेड जोन है वहां पर माना जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी की बढ़त रहती है, वो उनका गढ़ माना जाता है, वहीं जो ब्लू जोन होता है वो कमला हैरिस यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में जो स्विंग स्टेट्स हैं जो अपना मत बदलते रहते हैं वो समय परिस्थिति कैंडिडेट के हिसाब से तय करते हैं कि किसका चयन होना चाहिए, तो उनका वोट हमेशा निर्धारित करता है कि सत्ता में कौन पहुंचेगा। We have a big, a beautiful lead. Gonna win it. The momentum is on our side. अमेरिका में दोनों प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर मुकाबला बराबरी पर छूटा तो क्या होगा? इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि साल 1800 और साल 1824 यानी दो बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद का मुकाबला टाई हुआ। अब सवाल ये है कि फिर वहाँ पर कैसे राष्ट्रपति चुना गया? अगर ट्रंप और कमला में मुकाबला टाई पर रहा तो फिर अमेरिका की कमान कौन संभालेगा, इसका फैसला कौन करेगा? इस हालत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति के चुनाव करता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत के लोकसभा की तरह है, सभी राज्यों से 435 प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन इस वोटिंग में हर राज्य को एक ही वोट मिलता है। 50 राज्यों के वोट में से जो उम्मीदवार 26 वोट जुटा लेता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जानकारों का कहना है कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बन सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे होगा? आखिर 269 सीट जीतकर भी कमला हैरिस कैसे अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती है? अमेरिका के इतिहास में दो बार मुकाबला बराबरी पर रहा है। साल 1800 में किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने थॉमस जेफरसन को राष्ट्रपति चुना था। इसी तरह 1824 में जॉन क्विंसी एडम्स को राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन विजेता को चुनने का नियम क्या है? जो डाउन बैलेट रेसेस है अमेरिका की, जो रेसेस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की और जो सेनेटर्स जो जहाँ पे सेनेटर्स है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के और अमेरिकन्स के लिए, क्योंकि इस चुनाव में जो भी मेजॉरिटी लेके आएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोअर हाउस में और सेनेट में, वो निर्धारित करेगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। अभी तक अगर आप पोल्स को देखें तो ऐसा लगता है कि सेनेट में रिपब्लिकन्स अपनी मेजॉरिटी ले आ पाएंगे और वहीं लोअर हाउस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स के पास थोड़ा सा एडवांटेज है। तो ये भी हो सकता है कि अगर 269 और 269 का टाई हो तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा अपने कैंडिडेट को जो है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और अगर सेनेट में मेजोरिटी रहती है रिपब्लिकन्स की तो वो एक वाइस प्रेसिडेंशियल अपना एक वाइस प्रेसिडेंट को वो चुन सकते हैं। इस तरह ट्रंप के लिए चुनौती इस चुनाव को बड़े अंतर से जीतने की है, क्योंकि अगर मामला नजदीकी रहा तो फिर नियमों और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हालात कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत राष्ट्रपति बना सकते हैं। गीता मोहन के साथ रोहित शर्मा, वॉशिंगटन, आज तक।